वैसे तो हाथी अफ्रीका के जंगलों में सबसे इंटेलिजेंट एनिमल है, लेकिन गुस्सा आने पर और खुजली होने पर ये बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकते हैं और इसी गुस्से के आगे अफ्रीका की काली भैंस यानी कैफ बफेलो कई बार आ जाती है। फिर हाथी अपनी पूरी 6 टन की बॉडी इस पर डालकर इसे पिचका देता है। वैसे इसमें सारी गलती हाथी की भी नहीं है, क्योंकि गुस्सेल बफेलो ही कई बार अपना साइज भूल जाती है और फिर हाथी को या इनके बच्चों को धमकाने चल पड़ती है। वैसे तो हाथी ज्यादातर समय शांत रहते हैं, इन्हें पीट कर ही भगा देते हैं, लेकिन जब इनका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है तो ये बगैर किसी वजह ही सभी को पीट देते हैं। हाथी और बफेलो के बीच एक छोटी सी दुश्मनी भी है पानी को लेकर। गर्मियों में पानी की कमी होने के बाद हाथी पानी के स्रोत पर कब्जा करके दादागिरी करते हैं।